बिहार में पूर्ण शराबबंदी को पलीता पुलिस ही लगा रही है। शराब माफिया के साथ बिहार पुलिस का नेक्सस एक बार फिर से उजागर हुआ है। पुलिस वाले ही नीतीश कुमार की इस मुहिम को फेल करने में भिड़े हैं, इसका भी खुलासा हुआ है। शराब तस्करी में वर्दी के रसूख का इस्तेमाल करके माफिया मालों माल हो रहे हैं और पुलिस वाले भी मोटी कमाई कर रहे हैं। मोतिहारी एसपी मनोज तिवारी ने शराब तस्करी में लिप्त दो दरोगा को सस्पेंड कर दिया है और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों दरोगा फरार है। इसी के साथ आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर थाना की काटी पुलिस ने सीतामढ़ी पुलिस के एक सिपाही समेत 5 लोगों को जब शराब की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया तो शराब तस्कर मामले में सीतामढ़ी पुलिस की संलिप्तता सामने आई और इस रैकेट में पुलिस वाले किस कदर सक्रिय थे इस बात का भी खुलासा हुआ है। फिलहाल सीतामढ़ी एसपी का बयान सामने आया है जिसमें मनोज तिवारी ने बताया कि फिलहाल गिरफ्तार सिपाही एवं फरार दोनों दरोगा को निलंबित कर दिया गया है और उन सभी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, मामले की जांच को लेकर भी निर्देश जारी कर दिया गया है। फरार दरोगा में जितेंद्र सुमन और राम प्रवेश उराव शामिल है। दोनों आरोपी दरोगा सीतामढ़ी के नगर थाना और महिला थाने में पदस्थापित थे। मामले का खुलासा होने के बाद यह साफ हो गया कि दोनों दरोगा व्यापक तौर पर शराब की तस्करी में शामिल थे और शराब तस्करी के इस गिरोह में दूसरे कई खाकी वाले भी शामिल है जिसकी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर की काटी में पुलिस ने खुलासा किया था जिसमें एक लग्जरी बस में भारी पैमाने पर शराब बरामद की गई थी। पुलिस ने इस मामले में सीतामढ़ी पुलिस बल में तैनात एक कांस्टेबल अनिमेश पटेल को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।